सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए आज फिर से निकाल ली है अपनी छोटी नई नवेली कार, मतलब पुरानी ही। अभी मैंने किस लिए निकाली है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने को, मैं आज दिखाऊंगा क्वार्टर्स BSF के, जो टेगनपुर में जो क्वार्टर्स हैं वो दिखाऊंगा कैंपस के अंदर वाले, और Type 1, Type 2 और Type 3 क्वार्टर हैं। तो आज की शुरुआत अपन करेंगे टाइप 1 से। आज मैं आपको दिखाऊंगा टाइप 1 के क्वार्टर कैसे हैं, और है तो सब एक जैसे ही, बट मेरा मेन मकसद उनके लिए होता है जो पुराने लोग रह के गए हुए हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ BSF में कैसा क्या होता है, क्वार्टर्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, तो वो अगर देखने में इंटरेस्ट है तो सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, मैं आपको शुरुआत करने वाला हूं टाइप 1 से, और अभी आज के मैं क्वार्टर्स दिखाऊंगा सिर्फ टाइप 1, अगली बार मैं आपको टाइप 2 के दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल देख लो, ये पीछे की तरफ हूं मैं, ये मंदिर आपको याद होगा शिव जी का, जो कि ये है, DP भी लगा है यहाँ पे, दिख रहा है। अब सामने दिखा दूं यहाँ पे। सो गाइज, ये है सामने वाले क्वार्टर, जो कि यहाँ पे हमेशा कीचड़ रहता है। तो दोनों तरफ ये क्वार्टर है, ये सबसे लास्ट वाले हैं दोनों तरफ। और उस साइड है गाइस, सबको पता होगा पेड़ गिर चुका है, वहाँ पे दिखा दो उस तरफ। तो गाइस, वहाँ पे है बौना गेट, जिसको पता होगा बौना, जहाँ से हर कोई यहाँ पे जो रहने वाले थे यहीं पे जाते थे दूध लेने। बी वाले क्वार्टर आप देख सकते हो दोनों तरफ, और यहाँ पे जिनका क्वार्टर था वो याद ही होगा उन लोगों को। यहाँ पे इस लाइन में मेरे कुछ दोस्त भी हुआ करते थे, जैसे एक दोस्त था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया, मेरे स्कूल में ही था, उसका नाम था मुरादा खान। अगर वो वीडियो मेरे ख्याल से देखता है मेरी वीडियो, अगर उसे याद होगा तो ये यहाँ पे तेरा क्वार्टर था भाई, देख लेना अगर याद आ रही हो। और गाइस इस तरफ चलेंगे तो ये टंकी दिखा दो, ये है गाइस पानी का टंकी। पानी यहाँ पे पीने के लिए हम लोग पहले भरने आते थे, अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया, अब कोई नहीं आता। और यहाँ पे है गाइज मेरे पुराने दोस्त का घर, जो कि जिसने कैमरा पकड़ रखा है उसका घर है यहाँ पे, ये पहले शिवा रॉय। और इस तरह अपन सीधा यहाँ पे भी दिखा दो, यहाँ पे भी बहुत पुराने लोग रह के गए हैं, तो ये भी क्वार्टर सबको याद होगा। गाइज ये सारे टाइप 1 के क्वार्टर हैं। अब थोड़ा और अपन आगे चलेंगे, सामने दिखा दो। सो गाइज, एक चीज़ तो कोई नहीं भूला होगा अगर जो रह के गया होगा यहाँ पे, सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत बढ़िया चीज़। चलते हैं अपन थोड़ा आगे, और इस तरफ के क्वार्टर, एक लड़का और रहता था गाइस इस लाइन में, वो क्या नाम था, बिहारी करके, परेशान। तो गाइस भाई तेरा भी यहाँ पे क्वार्टर है, देख ले, इस तरफ दिखाता हूँ। गाइस ये है सबसे मेन चीज जो कि कोई नहीं भूला होगा, अंकल देख। सो गाइस ये था बौना गेट, जो कि सबको याद है, यहाँ पे एक फेमस दुकान थी बहुत पहले, जिसका नाम था बुढ़े की दुकान, और सबको यहाँ पे याद भी होगा बुढ़े की दुकान से हम लोग बचपन में चूरन वाली, वो इनाम वाली चूरन खरीदते थे। जो पुराने, जो यहाँ पे 10 साल 12 साल पुराने जो लोग हैं उनको तो पक्का याद होगा। तो आज मैं पुरानी यादें ताज़ा करवाने लाया हूँ कभी मैं, और मैं आपको अंदर का बौना गेट के अंदर का, यहाँ पे तो बहुत कुछ बदल गया कोरोना के बाद, गेट वेट सब बंद कर दिया। अब यहाँ जाएंगे गाइज, यहाँ पे तो सबको याद ही होगा यहाँ हमेशा से कीचड़ रहता है, जो कि अभी मेरी गाड़ी भी गंदी होने वाली है। और गाइज सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्वार्टर को रिपेयर किया गया है, मतलब ना कोरोना में सरकारी हाथ मार दिया गया है, चले गए खैर, लेकिन अगर कोई भी पुराने लोग देखते हैं तो उनको भाई याद ही होगा कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे दिन बीते हैं। तो ये गाइज पूरे टाइप 1 के क्वार्टर्स हैं। आगे जंगल वाले इलाके में, ये जंगल दिखा दो, इस तरफ दिखाना जरूर, यह लोग समझ जाएंगे कि मैं हम कौन सी तरफ है। गाइस ये वाली याद है आपको रोड, पीपल के दो पेड़ हैं, और ये यहाँ पे जंगल है, ये जंगल दिखा दो और उस तरफ दिखा दो, और गाइस इधर क्वार्टर पे क्वार्टर दिखा दो जहाँ से दिख रहा हो, और उस तरफ गाइस नल के उस तरफ एक नल है जहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आता है, और वो मेरे दोस्त की प्यास लगी है तो अभी पानी पियेंगे हम लोग। सो गाइस ये सामने देख सकते हो, अभी अपन कौन सी रोड पे हैं, सामने दिखाओ, यहाँ पे है ये टूटी फूटी पुरानी रोड, यहाँ पे आज तक रोड बनी नहीं। और इस तरफ है गाइस रेंटेड क्वार्टर, जो सामने से आपको दिखेगा, जिसमें मैं पहले रह चुका हूँ यहाँ पे, और मेरे को यहाँ से निकले हुए, मतलब रेंटेड क्वार्टर से निकले हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ मैं पहले रहता था, और ये दीवार नहीं थी पहले, अभी हो गई है, और ये दो पीपल के फेमस पेड़ हैं। और गाइस ये तो पूरा जंगल है, जैसा कि आपको पता ही है शुरू से ये जंगल ही रहा है। हाँ वाले जो क्वार्टर हैं
यहाँ पे भी बहुत पुराने पुराने लोग रह के गए हैं। कुछ जो लोग हैं वो अब निकल गए, लास्ट तो बहुत कम लोग बचे, जैसे मैं ही खुद बचा हूँ यहाँ पे, बहुत पुराना कोई नहीं है यहाँ पे। मंदिर दिखा दो इधर, छोटा वाला मंदिर। गाइस यहाँ पे भंडारा हुआ करता था एक टाइम पे, याद ही होगा आपको। पूरा जंगल हो गया है, और इस रास्ते में टाइप वन क्वार्टर ख़त्म हो जाते हैं, और एक है इस तरफ जो जिस तरफ मैं हूँ राइट साइड में, यहाँ पे दिखा दूँ। गाइस यहाँ से अपन मुड़ेंगे दोबारा से, यहाँ चलने पे ये सीधी वाली रोड है, जहाँ से यहाँ से भी दिखता है जो दो पीपल के पेड़, यहाँ इस रास्ते से भी दिखते हैं। और गाइस ये है टाइप वन का इधर वाला, ये बेर के पेड़। इस पेड़ के बेर किसने किसने खाए हैं ये बताना मेरे को। इस पेड़ के बेर बहुत ही ज़्यादा कड़वे कड़वे लगते हैं। और रॉबिन तेरे को ये घर याद है तेरा? रॉबिन का घर है भाई ये, अगर वीडियो देखे तो बताना। पूरा जंगल हो गया गाइस, और यहाँ पे हैं देखो पार्क था ऐसी जगह। एक चीज़ नोटिस करना गाइस, हर जगह आग पता नहीं क्या है, क्यों अपनी बाउंड्री पता नहीं हरा हरा ये लगा लेते हैं। और एक इंसान मेरी वीडियो और देखता है जिसका मेरे को अभी अचानक से याद आ गया। सो गाइस ये है रेंटेड क्वार्टर, और यहाँ पे एक वो रहता था, क्या नाम है, भूपेंद्र, जिसको बाड़ा बाड़ा बोलते थे, उसका भी घर यहीं है। अगर देखे वीडियो तो बताना कमेंट करके जरूर। और गाइस यहाँ के रेंटेड क्वार्टर देखो क्या हाल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइज ये सारे टाइप वन के क्वार्टर हैं, और यहाँ थोड़ा इस तरफ नज़र डालेंगे ये है, और ये पीछे रेंटेड क्वार्टर के पीछे का ये भाग है, इस तरफ बोना, ये बोना गेट का रास्ता है थोड़ा सा इधर। ये टूटी रोड दिखाओ, ये तो सबको याद होगा गाइज, ये टूटी रोड याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और गाइज एक चीज़ देखो, ये वाले घर ये पूरा खंडर हो गया, मतलब यहाँ पेड़ गिर गए हैं, खंडर हो गया। पता नहीं लॉकडाउन के बाद इन पे बनाने का शुरू किया था पर काम ही रोक दिया, यहाँ पे बना ही नहीं आज तक, पूरा खंडर कर दिया। गाइस इधर ये फेमस इमली का पेड़, जहाँ पे सब लोग बोरियाँ भर भर के इमली तोड़ लिया करते थे। यहाँ पे पीआईडी वाला है ये पूरा सिस्टम, ये तो आपको याद ही होगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। गाइस इस तरफ जो भी रहा होगा उसको ये टीन सेट वाला ये घर जैसा जरूर दिखा होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए हमने सोचा कि कार से बताते चलेंगे और आपको दिखाते भी चलेंगे, सो कि आपने देखा और मज़ा भी आया आप लोगों को। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। शेयर उन लोगों को कर देना जो यहाँ पे रह के गए हैं। मिलता हूँ ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।